और एक चीज और भी हम कहना चाहते हैं कि राजगीर को जिला जो है उसके जो है क्या, लेकिन उसके लिए उन्होंने चार जिले बनाए उनके लिए वित्तीय अभाव नहीं आया, उसमें डीएम और एसपी बैठा दी गए, आज 14 में हमारे लिए जो है वित्तीय अभाव की बात आ रही है। रानीखेत का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा है कि जिसमें जिले को केवल एसपी और डीएम को बैठाने मात्र से यहाँ पर जिले की पूरी कार्रवाई संरचना जो है तैयार है, जबकि अगर आज हम कहना चाहिए डीआर को बनाएंगे तो नए सिरे से बनाएंगे, और अगर कोरडा को बनाएंगे तो नए सिरे से बनाएंगे, और कोरडा को बनाएंगे कोरडा पर थोड़ा सा इसलिए थोड़ा भिन्न है क्योंकि वहाँ पर एसपीएम बैठता है, वहाँ पर आईएएस बैठता है, तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा चेंज है वहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन एक बात है कि रानीखेत को सबसे कम वित्तीय हम स्थिति में बना सकते हैं, और रानीखेत को जो है वित्त आयोग ने भी जिला की स्वीकृति दी और आठवें वित्त आयोग ने दिया था, उसके अलावा एक आध वेंकट रमाणी आयोग था उसने भी रानीखेत को जिला बनाने की। तो आज हम ये कहते हैं कि जब छोटा राज्य बन गया, तहसीलें बन गई, 49 तहसीलें थी, 49 तहसीलें से 109 तहसील आ चुकी है, 109 तहसील ब्लॉक भी बनते, लेकिन ब्लॉक जो होता है वो केंद्र का अधिकार होता है, राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ब्लॉक में 90% पैसा जो देती है वो केंद्र सरकार देती है, 10% उसमें सरकार को देना पड़ता है। और आज जो विवाद है वो इस बात को लेके है कि केंद्र कहती है कि आप 50% पैसा आप लगाओ, 50% पैसा हम लगाएंगे तो हम ब्लॉक बना लेंगे, तो केंद्र की इस बात से राज्य असहमति जताते हैं और वो कहते हैं कि 90% आप लेंगे और 10% हम लेंगे, इसलिए ब्लॉक नहीं बन रहे, ये तो सरकार आज ब्लॉक भी बना देगी, हमने लड़ के इतना जो है राज्य का निर्माण किया 2000 में और अभी तक हम छोटे जिले नहीं बना पा रहे, तो प्रशासन की जो बड़ा पहुंच है वो आम आदमी तक नहीं बन पाई है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जो है इस जिले की मांग में उसमें एक पहल प्रारंभ हुई है बड़ोदा जी की ओर से, तो मुझे लगता है कि सबको जुड़ना चाहिए और हमको कुछ करना नहीं है क्योंकि इसमें आपको समय भी देने की बात नहीं है, केवल आपको बहुत कम समय में थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा मदद करनी है, तो हम कह रहे हैं कि हम अपने जीवन में 24 घंटा अपने को देते हैं, तो 24 घंटे में से हम ये मान लें कि हम 58 मिनट जो है अपने को देते हैं, 2 मिनट हम इसको भी दे देंगे, मुझे लगता है जिला अभियान बहुत गति पकड़ लेगा। तो आज की बैठक का मुझे लगता है मूल उद्देश्य यही होगा कि इसमें हम किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार करें, क्योंकि जहाँ तक पहुँचे हैं रफ्तार बहुत धीमी है, लेकिन ये बात है कि अभियान जो है यहीं शुरू हुआ है, अच्छी शुरुआत हुई है, तो मुझे लगता है कि ये जो बात आप यहाँ पर कह रहे हैं तो ये प्रशासन पे भी जा रही है, मुख्यमंत्री जी भी की बात भी जा रही है और उनके पास भी जा रही है, तो हम आप लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि इसमें हम इस अभियान को और गति कैसे दे सकते हैं और इस अभियान को कैसे आम आदमी को जोड़ सकते हैं और कैसे हम शासन प्रशासन को झुका कर अपनी मांग को पूरा करा सकते हैं, इस बारे में अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि संदीप भाई हमारे हैं वो बोले, अब बोला जी हमारे जो है जो अभियान संयोजक हैं उनसे आग्रह करते हैं कि वो दोस्तों।